हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है अरुण चतुर्वेदी। भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर के प्रशिक्षण वर्ग के तीसरे दिन समापन सत्र को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने संबोधित किया। उन्होंने संगठन संरचना में हमारी भूमिका विषय पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। 1951 से लेकर 1977 तक भारतीय जनसंघ के रूप में 1977 से 1980 जनता पार्टी में तथा 1980 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के रूप में राष्ट्रवाद, सुशासन और गरीब लक्ष्मी विकास को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक विचारधारा को लेकर काम करने वाले लोगों का दल है जो मूलतः कार्यकर्ता आधारित है। कोरोना के समय भी कोई भी भूखे ना सोए, इस भावना से पार्टी ने कार्य किया। सबका साथ सबका विकास तथा सबका विश्वास ही पार्टी का मूल मंत्र रहा है। भाजपा का कार्यकर्ता टीम भावना के साथ साथ बूथ से लेकर ऊपर के स्तर तक सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी है और सर्वग्राही संगठन खड़ा करना ही हमारी प्राथमिकता रही है। 2019 में मिला समर्थन हमको साहस और आत्मविश्वास देता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने संस्कारों की ताकत को जीवित रखना है, हमें लोगों की बढ़ी हुई अपेक्षाओं पर शत प्रतिशत खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि अभी तक जहां हम पहुंचे हैं वह हमारी मंजिल नहीं है, परम वैभव का स्वप्न अभी दूर है। हमारी गति अवरुद्ध ना हो इसीलिए 2024 का निर्वाचन हमें जीतना ही होगा। हमें अपने बड़े हुए दायित्व को ठीक प्रकार समझकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को महान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कृत संकल्पित होना है। हमारा नेतृत्व, हमारा संगठन एवं हमारी विचारधारा, इन तीनों को मिलाकर हमें यह दायित्व निभाना है। उक्त संबोधन के बाद जिला कार्य समिति की बैठक प्रारंभ हुई। उक्त बैठक में उद्घाटन सत्र के बाद संगठनात्मक सत्र प्रारंभ हुआ। कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार चरम पर है, चिकित्सा के हाल बेहाल है, आर्थिक प्रबंधन में सरकार फेल साबित हो रही है, लूट, हत्या, डकैती तथा अपराध का ग्राफ दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। चारों ओर राजस्थान में भय और आतंक का माहौल खड़ा हो गया है। ऐसे समय में राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। कार्य समिति को भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल ने संबोधित किया। उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा तथा स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी 24 मंडलों की रचना पूरी हो चुकी है, 7 मोर्चे तेज गति से कार्य कर रहे हैं, 810 बूथ तथा 410 शक्ति केंद्रों का पूर्ण गठन है, सशक्त मंडल, सशक्त बूथ समिति तथा पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति हो चुकी है। उसके बाद जिला महामंत्री स्वरूप सिंह खारा ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसे प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलीप पालीवाल एवं स्वरूप सिंह राठौड़ ने अनुमोदित किया तथा कार्य समिति ने ध्वनिमत से पारित किया। उक्त कार्य समिति बैठक में जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलीप पालीवाल एवं स्वरूप सिंह राठौड़, जिला महामंत्री बालाराम मूड एवं स्वरूप सिंह खारा, प्रधान रूपाराम सारण एवं मुकेश कोहली, एडवोकेट रूप सिंह राठौड़, ललित बोथरा, कैलाश कोटड़िया, पृथ्वी चंडक, वीर सिंह भाटी, रमेश सिंह इंदा, नरपत धारा, रणवीर सिंह भादु, राजू दास भिल, महेंद्र सिंह राजपुरोहित, वीरमा राम, महेंद्र सिंह राजपुरोहित, वीरमा राम मेघवाल, अकबर खान, आसुराम नखत सिंह, बांका राम देवासी, खुमान सिंह, दिनेश विश्रोही, गिरधर सिंह कोटाड़ा, पुरखा राम मांझू, अमर सिंह, कापूराव दाऊ, लाल प्रजापत, रमेश शर्मा, अनीता चौहान, धन सिंह मौसेरी, सिगरती देवी सहित कार्य समिति सदस्य, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा के अध्यक्ष, प्रधान तथा अपेक्षित लोगों ने भाग लिया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।